तो आज का हमारा टॉपिक है वीबीए फंक्शंस। ठीक है, तो जिस तरह से हम इसमें एक्सेल में फंक्शन लगाते हैं मैथ्स वगैरह के, इसी तरह से एक कैटेगरी इसमें भी है जो वीबीए के अंदर यूज होती है। ठीक है, ये पहले मैं ऐड इन हटा दूं जो इसमें ऐड हो रखा है। तो इसमें फंक्शन किस तरह से यूज़ होते हैं, क्योंकि तुम्हें एक्सेल फंक्शंस आते हैं तो इसको समझने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, ये बस हैं वही फंक्शंस, बस किसी और नाम से चलते हैं इधर। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला फंक्शन है ASC, ASC और कैर। यहाँ पे भी उसी तरह से कैटेगरी है, मैं ये साइट समझाता हूँ, टेक ऑन द नेट है। इस पे जब एक्सेल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, ये साइट थोड़ी सी हैंग चल रही है मुझे लग रहा है, चल जा, जब तक ये चलती है तब तक मैं और फंक्शंस बता, कस्टम फंक्शंस बता देता हूँ वीबीए के। वीबीए में एक तो हमने काम किया मैक्रोज में, ठीक है, दूसरा हमें फंक्शन जैसे वी लुकअप, एच लुकअप बने हुए हैं, ऐसा ही कोई अपना कस्टमाइज फंक्शन बनाना है। कि जैसे हमें क्या करना है, टैक्स निकालना है, कोई फिगर है, मुझे करना है कि मैं इस पे टैक्स 14% ऐड हो के आ जाए। ठीक है, 14% का टैक्स ऐड हो के आ जाए, मतलब सर्विस टैक्स मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, या GST बना देते हैं 18% का, नया आ रहा है ना, तो हमने बना दिया GST फंक्शन। ठीक है, यहाँ इसकी शुरुआत सबसे नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन, ठीक है, या एंड फंक्शन अपने आप आ जाएगा। अब फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर देते हैं, जैसे इसके अंदर ये देते हैं, ये पैरामीटर्स, तो इसको डिफाइन करना होता है इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर कि क्या क्या वैल्यू लेना चाहते हैं। तो अभी मैं एक ही वैल्यू लूँगा और उसका नाम रख दूंगा कि अमाउंट एज, जैसे डिक्लेयर करते हैं ना, इसमें डिम नहीं लगता है, अमाउंट एज डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो अमाउंट मेरा डबल आ जाएगा। ठीक है, अमाउंट मेरा वेरिएबल हो गया, तो उसको यहाँ पे एक्सेस करूँगा। अब मुझे क्या करना है, अमाउंट अमाउंट इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 14%, जो कि प्लस होगा अमाउंट में। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये वहाँ पे लौटाने के लिए कि वहाँ पे रिप्रेजेंट करे, तो फंक्शन का नाम जो होगा ना GST इक्वल टू वो वैल्यू कर देना जो तुम रिटर्न करना चाहते हो उधर। ठीक है, यही प्रोसीजर है इसका। तो जब मैं इस पे लगाऊंगा GST, ये नंबर ले लिया, ये आ गया। ठीक है, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, 14 है ना, 14 से हो गया, 14% हट गया था। ठीक है, हाँ ऐसा कर देते हैं ना, 0.14, ये भी तो वही है, ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोई भी फंक्शन बनेगा, इसके अंदर हम वेरिएबल, लूप, कुछ भी चला सकते हैं। ठीक है, जो सारे काम करते थे, बस इसका टेक्निकलिटी यही है कि जो वैल्यू इनपुट लेंगे वो यहाँ से लेंगे, अगर दो वैल्यू इनपुट लेनी है तो हम इधर से ले लेंगे डी एज इंटीजर या जो भी। ठीक है, इस तरह कैसे उसको ले लेंगे, तो दो वैल्यू, तीन वैल्यू, जितनी भी करनी है आप इसको कर सकते हो। और इन फंक्शंस को, इन फंक्शंस में आप इसको किसी मैक्रो के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, कि जैसे सब ABC मैंने कर दिया। अब इसी का फंक्शन कैसे काम करेगा यहाँ पे वो दिखाता हूँ। मैंने इनपुट बॉक्स से लिया एंटर अमाउंट, डिम अमाउंट एज डबल। ठीक है, अब अमाउंट को मैंने ले लिया
सी डी बी एल, सी डी बी एल कौन सा फंक्शन है, कन्वर्ट टू डबल, ठीक है, कन्वर्जन के फंक्शन है। अब इसके अंदर मैंने ले लिया इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स को बोला कि एंटर अमाउंट, ठीक है, सी डी बी एल इसे कन्वर्ट टू डबल में कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद मुझे जो अमाउंट देगा मैसेज बॉक्स में मैं कर देता हूँ GST, और इसमें डाल देता हूँ अमाउंट, ठीक है। तो GST फंक्शन मैसेज बॉक्स को रिटर्न कर देगा वो वैल्यू। तो अगर मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पे कुछ भी अमाउंट डाल देता हूँ, ये आ गया, ठीक है, कन्वर्ट टू डबल, डबल में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये इनपुट बॉक्स क्या है कि टेक्स्ट में वैल्यू दे देता है कई बार, है ना, स्ट्रिंग में दे देता है, तो सी डी बी एल ने उसे डबल में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, इसी तरह सी डेट, सी इंट, सी एस टी आर, ये सारे फंक्शन है, अभी दिखाता हूँ उनको अगर मेरी साइट खुल जाए तो। तो यहाँ जाएंगे हम एक्सेल में, एक्सेल में गए, सबसे नीचे एक्सेल टॉपिक है फॉर्मूलाज फंक्शन, ठीक है। इसमें देखो एक ऑल फंक्शन है, वर्कशीट फंक्शन है, VBA फंक्शन है। तो ऑल कैटेगरी में जहाँ पे VBA लिखा हुआ है वो आपके VBA में चलते हैं, जहाँ पे WS लिखा है वर्कशीट में चलते हैं, जहाँ पे WS और VBA दोनों लिखा है वो दोनों में चलते हैं, ठीक है। जैसे ये लेफ्ट का फंक्शन, ठीक है। तो हम एक बार इस कैटेगरी को देखते हैं कि VBA फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें चलती हैं। जैसे ASC, ASC आपका जैसे कोड कैर था ना, इसमें ASC और CHR है, कोड कैर। ASC मतलब हो गया ASCII वैल्यू, रिटर्न ASCII वैल्यू ऑफ अ करेक्टर, और CHR रिटर्न द करेक्टर बेस्ड ऑन द ASCII वैल्यूज। ये वाले फंक्शंस हम किसी फंक्शन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैक्रो के अंदर मैक्रो कर सकते हैं ना, उसी तरह फंक्शन के अंदर फंक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं एक टेस्टिंग के लिए ले लेता हूँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैसेज बॉक्स ASC का फंक्शन लगाया और इसमें मैंने डाल दिया ए, इसका मुझे वो बता दो ASCII वैल्यू क्या है, तो ये ASCII वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसी जगह अगर मैं करूं कि CHR, इसके अंदर तो CHR के अंदर मैं दे देता हूँ 65, ठीक है, तो ये मैसेज में मुझे ए दे देगा, ठीक है। तो ASCII कोड कैर के इस तरह से चलते हैं, ASC और CHR, कंकैटिनेशन का वही एंड वाला ही है, ठीक है। फॉर्मेट स्ट्रिंग, जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट का फंक्शन था, है ना, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट का फंक्शन है, तो सारे काम वही करता है जो हम उसके थ्रू कराते थे। मैसेज बॉक्स में मैंने डाल दिया फॉर्मेट, ठीक है। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में मैं दे दूंगा कि क्या वैल्यू है, तो मैंने जैसे कोई डेट देनी है तो इस तरह से दे दूंगा, जैसे 12 जुलाई, हैश के अंदर डेट दी जाती है हमेशा, ये दे दिया मैंने इसको डेट, ठीक है। फॉर्मेट में मैंने कर दिया कि मुझे MMMM फुल मंथ नेम चाहिए, ठीक है। अच्छा हाँ, जब ही एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। तो ये आपको मैसेज बॉक्स में जो देगा फुल मंथ नेम दे दे, ठीक है। तो फॉर्मेट का फंक्शन समझ गए कैसे यूज़ होगा, कैसे सारे कोड आप फॉर्मेट के थ्रू लगा सकते हो। एक और चीज़, अगर जैसे VBA का फंक्शन आपको VBA में वैल्यू दे रहा है ना, अगर आपको वर्कशीट का कोई फंक्शन इसमें यूज़ करना हो, जैसे कि वी लुकअप यूज़ करना है, नहीं इसमें वैल्यू चाहिए, मैसेज बॉक्स में दिखानी है,
ठीक है, एक एग्जांपल बना लेता हूँ उसके लिए, जैसे E001 ये है, और यहाँ नाम डाल देता हूँ। ठीक है, अब मैं आईडी डालूँ और यहाँ से वो आ जाए वी लुकअप की तरह। तो मैं वी लुकअप को कैसे दूंगा यहाँ, ये होता है आपका एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शंस। तो इस कोड के जरिए आप वर्कशीट के कुछ फंक्शंस एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि वी लुकअप, क्योंकि मुझे वैसे इस बॉक्स में वैल्यू देनी है, वहाँ तो देनी नहीं। तो वी लुकअप पैरामीटर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल देगा नहीं। तो आपकी लुकअप वैल्यू मैंने दे दी, क्या है, E003 कर देता हूँ। टेबल एरे, टेबल एरे में आपको रेंज के थ्रू देना पड़ेगा कि रेंज कौन सी है, F1 से F8 तक, G8 तक। तो F1 से G, यहाँ पे VBA के ही तरीके से देना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम इंडेक्स सेकंड और ज़ीरो। ठीक है, तो ये मुझे उसका वैल्यू गेट करके दे देगा। ठीक है, इससे आप हर फंक्शन यूज़ कर सकते हो, मतलब हर सारे नहीं पर कुछ हद तक, जैसे काउंट इफ वगैरह, क्योंकि काउंट इफ वगैरह VBA के फंक्शंस में नहीं होते हैं। तो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन का कोड याद रखना है आपने, और यहाँ पे ये हैं जैसे काउंट, काउंट इफ्स, ये सम इफ, सम इफ्स, सम प्रोडक्ट। हाँ, क्या चीज़, मेन हाँ ये यूज़ होते हैं ना, ये सारे ही यूज़ होते हैं। मतलब आपको वैल्यू तो चाहिए होगी ना कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो हर बार शीट का तो यूज़ करोगे नहीं, है ना। एच लुकअप है, एच लुकअप है, मैच है, मैच है, इंडेक्स है, इंडेक्स है, ऑफसेट नहीं होता, ऑफसेट वैसे ही होता है इसमें, क्योंकि है ना। तो इस तरह के फंक्शन आप एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शंस के थ्रू यूज़ करोगे। ठीक है, फंक्शंस आपके बहुत काम आते हैं, कई बार आपको पूरा वो लगाने की मेथड लगाने से अच्छा है कि आपको अगर फंक्शन पता है उसका तो बड़े आराम से काम हो जाएगा, कोड नहीं बनाना पड़ेगा ज़्यादा बड़ा, है ना। फाइंड का फंक्शन होता है NSTR के नाम से है। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ क्योंकि इसके पैरामीटर थोड़े से उल्टे हैं, वहाँ फाइंड के अलग थे, NSTR के अलग हैं थोड़े से। अब ये पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, हम देख लेते हैं। मैसेज बॉक्स NSTR, ठीक है, ये तो NSTR तो आपका VBA का फंक्शन है। मैं कह रहा हूँ कि अगर वर्कशीट का फंक्शन होता तो क्या, हाँ तो ये बता रहा है पैरामीटर आर्गुमेंट, हम यहीं से देख सकते हैं कि क्योंकि स्टार्ट स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग क्या चीज़ है ये नहीं पता। तो स्टार्ट क्या है, इट इज़ एन स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ सर्च, तो पोजीशन पहले देते हैं इसमें, वहाँ उसमें वैल्यू पहले दे देते। फिर स्ट्रिंग आपकी मेन स्ट्रिंग है जिसमें सर्च करना है, ठीक है। सेकेंड वो होता था स्टार्टिंग पोजिशन, और ये क्या है, सब स्ट्रिंग यू वॉन्ट टू फाइंड, क्या आप फाइंड करना चाहते हो। तो ये भी ऑप्शनल है आपका, ठीक है, स्टार्ट वाला ऑप्शनल आ रहा है, कंपेयर वाला ऑप्शनल आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट वाले को अगर हमें शुरू से स्टार्ट करना है और हम देना नहीं चाहते तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, जैसे मैंने फंक्शन में बताया था ना आपको कि स्टार्ट का अगर मुझे नहीं देना है तो स्ट्रिंग यूज़ करना है, तो स्ट्रिंग वन लिखा हुआ है ना, वन इक्वल टू कॉलन, नहीं कॉलन इक्वल टू, तो स्ट्रिंग वन आप ऐसे देंगे कि ए फाइंड करना है किसमें, टेक्स्ट में, तो मैं कर देता हूँ संदीप। ठीक है,
देखते हैं चलता है नहीं चलता। नहीं ये वाला कैड ले ही नहीं रहा इसके अंदर। हाँ खाली कॉमा दे के भी हो जाएगा। हाँ कॉमा दे के ही हो जाएगा, पर नहीं 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 ऐसे नहीं, वन ही कर दूँ। ठीक है, ऑप्शनल का कोई तरीका तो होगा ना देने का। ठीक है, तो ये बता देगा कि ए कौन सी अच्छा पहले यहाँ पे स्ट्रिंग देनी है या फिर सब स्ट्रिंग देनी है। ये ठीक है, तो थोड़ा सा इसके ना पैरामीटर उल्टे पुल्टे होते हैं। ठीक है, दूसरी पोजीशन पे वन की स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ, इसमें कहाँ से स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो फाइंड का ये उल्टा ही है एकदम। ठीक है, हाँ इसके अलग अलग मेथड मिल सकते हैं जहाँ हमें पता पड़ जाए। हाँ कॉमा नहीं देना है, ऑप्शनल वैल्यू में देना ही नहीं है। ये अगर नहीं देंगे तो चल जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो पहले से ही करेगा है, पहले वाले को फाइंड करेगा। ठीक है, हाँ पोजीशन दे सकते हो ना, यहाँ पे दो इन एसटीआर लगा सकते हो कि सेकंड वाला चाहिए। और इसमें वो भी फंक्शन है जो कि कहीं मतलब आपके पास वर्कशीट में नहीं है। कई ऐसे फंक्शंस हैं जो इसमें वर्कशीट में नहीं है आपके पास, जैसे आपके पास है इन एसटीआर रिवर्स, इन एसटीआर आरईवी करके। ये क्या करेगा, जैसे मैं करता हूँ सिंह। ठीक है, मैं ये पता करना चाहता हूँ कि लास्ट वाला एन किस साइड है तो ये एन यहाँ पे दे दिया, तो ये मुझे पीछे से पता करके बताएगा 11वीं पोजीशन पे है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आपका यहाँ पे 11वीं पोजीशन पे है। ठीक है, ये पीछे से फाइंड करेगा। ठीक है, इसी तरह से आपके बहुत सारे फंक्शन हैं, बस आपने देखने जाने हैं और यहाँ पे आपको पता ही पड़ जाएगा कि लगता कैसे है। आगे एल केस होता है, जैसे लोअर केस होता है ना हमारे में, लोअर अपर के फॉर्मूले, तो एल केस लोअर केस में करता है। लेफ्ट लेफ्ट का फॉर्मूला, ये वर्कशीट और वीडियो दोनों में है। लेन लेंथ है, ठीक है लेंथ निकालने के लिए। एल ट्रिम, अब हमारे पास वहाँ पे ट्रिम है ना, यहाँ पे लेफ्ट ट्रिम और राइट ट्रिम दो फंक्शन है, तो लेफ्ट से अगर आपको ट्रिम करना है खाली ब्लैंक स्पेसेस तो ये एल ट्रिम यूज़ कर सकते हैं, और राइट से करना है तो राइट ट्रिम यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि ट्रिम का फंक्शन, हाँ ट्रिम का फंक्शन दोनों साइड के लिए होता है, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, मिड का दोनों में सेम है, रिप्लेस का, रिप्लेस का मेरे ख्याल से वर्कशीट में भी है रिप्लेस, बट ये किस तरह से काम करता है क्या रिप्लेस, ये सेम वैसा सब्स्टिट्यूट का, सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस है ना जैसे वहाँ पे, तो इसका यूज़ थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसने सब्स्टिट्यूट रिप्लेस की तरह, सब्स्टिट्यूट की तरह ही काम कर रहा है ना। रिप्लेस में तो नंबर वन नंबर टू करके दे देता है, तो सब्स्टिट्यूट रिप्लेस का काम अकेला रिप्लेस ही कर देता है। यहाँ पे आपकी पोजीशन वगैरह देनी पड़ जाएगी आपको, या देख लेते हैं कि क्या स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टू द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर, अनदर सेट ऑफ कैरेक्टर टू बी टू रिप्लेसेस। अच्छा तो यहाँ पे स्ट्रिंग आपकी आएगी, फाइंड द स्ट्रिंग विल बी सर्च फॉर स्ट्रिंग वन, तो यहाँ पे वो चीज़ आएगी जो सर्च होगी। रिप्लेसमेंट, इट विल रिप्लेस फाइंड इन स्ट्रिंग वन। ठीक है, स्टार्ट, स्टार्ट नंबर, काउंट द नंबर ऑफ अक्रेंस टू रिप्लेस, ए फॉर्मेटेड रिप्लेस फंक्शन विल रिप्लेस ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये वाले कई फंक्शन इसमें चलेंगे नहीं आपके वर्कशीट वाले,
तो आपको VBA के ही लगाने पड़ेंगे, ठीक है। स्प्लिट, स्प्लिट बहुत अच्छा फंक्शन है कि जैसे हमारा वहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम होता है, उसके वो चीज़ यहाँ पे तो हो नहीं सकती, तो उसको कैसे करेंगे? इसको हम बेसिकली चलाएंगे उसके थ्रू, लूप के थ्रू। स्प्लिट क्योंकि एक एरे वैल्यू में रिटर्न करेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एक इसमें ये ले लेता हूँ, स्प्लिट में मैं डाल देता हूँ ठीक है। तो अभी क्या है, ये स्पेस के बेस पे अलग कर देगा अगर कुछ नहीं डालता हूँ तो। अगर आपका डेलिमीटर कुछ और है, जैसे टैब है, कॉमा है, सेमी कॉलन है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि डेलिमीटर ये है, ठीक है। हाँ, तो अब ये क्या करेगा, ये एरे में बदल देगा इस ये फंक्शन को, इन दोनों को दो वैल्यूज़ में बदलेगा। तो सिंगल तो कंटेन कर नहीं सकता, तो मैं ऐसा करता हूँ, डिम एस एज स्ट्रिंग नंबर एज लॉन्ग, एरे में इसको एरे डिफाइन करने के लिए क्या था हमने, इस तरह से लगाना होता है 1 to 10। तो एस के अंदर जितनी वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। अब एस के अंदर ये दोनों वैल्यू आएंगी, MSG बॉक्स में अगर मैं एस दिखाऊं अभी, तो ये हमेशा फर्स्ट ही वैल्यू देता है, कैन नॉट असाइन टू एर, कांट असाइन टू एरे, इक्वल टू करना तो चाहिए एस डायरेक्ट, क्योंकि ये स्प्लिट एरे निकालेगा। देख लेते हैं तरीका क्या है, करना तो एरे से ही चाहिए। रिजल्ट तो एरे ही है, ये रिजल्ट तो एरे है, कैसे होगा? स्प्लिट स्ट्रिंग इस बेस पे एल एरे। अच्छा, इसको कोई वो नहीं देना, मैंने लिमिट नहीं देनी है, अपने आप लिमिट चूज करेगा। टाइप मिसमैच, ओके, हाँ ठीक है, वो ले गया, अब स्प्लिट कर दिया उसने एरे में, ठीक है। तो इसमें बताना पड़ेगा कि ये फर्स्ट वैल्यू, और ये इसकी सेकंड वैल्यू, ठीक है। अब करते हैं, तो ये आया और ये आया, ठीक है। तो वो यू बाउंड एल बाउंड से करते हैं ना, जो जैसे कि हमें सारी लेके और उसके बाद करना है, तो वो लूप के अंदर डालना होगा, जिससे ये आई में ये 1 2 3 4 घूम जाए, 0 से लेकर, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि इसका एस का लोअर बाउंड क्या है या अपर बाउंड क्या है, जिससे और क्लियर हो जाए ये। एल बाउंड अगर इसने दिया 0, ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन होती है, और यू बाउंड होती है इसकी एरे की जो मैक्सिमम पोजीशन होती है, ठीक है, कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं। तो है, हाँ, तो 1 का मतलब है दो वैल्यू हैं, ठीक है। मैं कर चलाऊँगा फॉर आई इक्वल टू 0 टू यू बाउंड, ठीक है, नेक्स्ट आई, और उसके बाद अब इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर पड़ेंगे मैं ऐसे डालता जाऊँगा, एस आई, इस तरीके से। तो अगर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ बीच में कुमार, तो अगर ये 3 निकालेगा तो 3 मैसेज देगा, 1 2 3।
यू बाउंड ये बताएगा कि इसके अंदर वैल्यू कितनी है। जैसे यहाँ से तीन स्प्लिट ने क्या किया, तीन वैल्यू स्प्लिट कर दी स्पेस के बेस पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये चली गई इस एरे में। पर हमें तो ये नहीं पता ना कि इसके अंदर कितनी वैल्यू है, कुछ भी आ सकता है, यूजर से इनपुट करा लिया है ना। तो हम लूप को चलाएंगे जीरो से लेकर जितनी वैल्यू है उसके अंदर, ठीक है। तो आई बढ़ता जाएगा। एल बाउंड उसकी स्टार्टिंग पोजीशन जानने के लिए, हालांकि वो जीरो ही रहता है हमेशा। हाँ हाँ वैसे लोग ऐसे करते हैं इसको, एल बाउंड एस टू यू बाउंड, ठीक है। मतलब इसकी स्टार्टिंग पोजीशन से एंडिंग पोजीशन तक चले, ठीक है। और आई के अंदर जो वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करती जाएगी उसे, क्लियर है। तो इस तरीके से आपका ये स्प्लिट फंक्शन काम करेगा। कमेंट कर देता हूं, आगे देखते हैं इसी में। यू केस वैल जो है वैल्यू का फंक्शन होता है वो सेम है, मतलब टेक्स्ट को वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए। डेट जो करंट डेट के लिए हम टुडे का फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वो है डेट इसमें, ठीक है। अगर आप डेट करते हो तो करंट डेट से मतलब होता है डेट। इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ओपन क्लोज की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी कर दोगे तो कोई फ़र्क नहीं, ठीक है। तो डेट का फॉर्मूला करंट डेट के लिए, वहाँ डेट का फॉर्मूला किस लिए होता है, कंबाइंड करने के लिए है ना। तो VBA में थोड़े से फंक्शन अलग हैं। डेट ऐड, कोई डेट ऐड करनी है तो डेट ऐड के अंदर देखोगे इंटरवल क्या ऐड करना है। देखो इंटरवल में वो आएगा, ईयर ऐड करना है, क्वार्टर ऐड करना है, मंथ ऐड करना है, डे ऑफ ईयर करना है, और डे वीक, डे वीक आर मिनट सेकंड, ये सब आप यहाँ देख सकते हो। नंबर कितना ऐड करना है और किस डेट में आ जाएगा, आप कहाँ से ऐड करना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से होता है कि जैसे इस डेट में मुझे 3 साल ऐड करने हैं, ठीक है, हो गया। इसमें मुझे 2 क्वार्टर ऐड करने हैं, ये आ गया, ठीक है। इसमें 5 महीने ऐड करने हैं। एन क्या है, एन किसके लिए था, 51। एन इसमें मिनट के लिए, ठीक है। एम तो मंथ के लिए हो गया, एन मिनट के लिए डाल दिया, ठीक है। ये आप माइनस भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे ईयर माइनस किया हुआ। तो ये डेट के फंक्शन, सारी एडिशन डिलीशन इसने खुद ही दे रखी है। इतनी फंक्शनैलिटी हमारे पास वर्कशीट फंक्शंस में नहीं है। फिर डेटेड इफ का आपको पता है, डेटेड इफ वाला इसमें चलता है कि 2 डेट से, मतलब कितने साल, कितने महीने, कितने क्वार्टर, इस तरह से निकाल लें तो वो 2 डेट के बीच का बताएगा, डेट डिफरेंस बेसिकली, ठीक है। ये बता रहा है कि 40 क्वार्टर का डिफरेंस है इसमें, पर डेट तो सेम ही है, डेट सेम है, अलग है। हाँ 3 से 13 है, वही मैं कह रहा, ठीक है। तो ये डेट डिफ का है आपका, डेट डिफरेंस, ठीक है। इनको आप फंक्शंस में यूज़ करके, जैसे यहाँ पे फंक्शन है तो एक कस्टम फंक्शन बना के वो फंक्शन वहाँ यूज़ करके पैरामीटर एज इट इज़ एंट्री करा दो। तो ये वाले फंक्शन आप वर्कशीट में इस तरह से रेफर कर सकते हो, ठीक है। डेट पार्ट रिटर्न से स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ डेट, ये वाला मेरे ख्याल से चल नहीं रहा था या चल रहा है। डेट पार्ट, ये जैसे ईयर निकालना है, मंथ निकालना है, डी निकालना है, वहाँ डेट हम किस फंक्शन से करते थे ये चीज़, डेट ईयर डे मंथ ईयर का फंक्शन था ना, तो ये डेट पार्ट से निकल जाता है।
तो ये फंक्शंस बेसिकली आपको देखने हैं, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे ही हैं सारे फंक्शन, पढ़ने पे समझ आ जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप लोगों ने किया हुआ है। इसी तरह ABS, वो जो भी नंबर, नाउ करंट डेट एंड करंट टाइम के लिए, हाँ ठीक है। तो यहाँ आपके पास बहुत सारे फंक्शन हैं, ये केस फॉर नेक्स्ट, इफ देन एल्स, और ये मैंने वैसे ही बता रखे हैं आपको, इफ कंडीशन कैसे लगा जाता है। इंफॉर्मेशन फंक्शन में इसमें होते हैं आपके एनवायरन, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चल रहा है, इज डेट, डेट है कि नहीं है, इज एम्प्टी ब्लैंक है कि नहीं, इज एरर, इज नल, इज नुमेरिक, ठीक है। ये बहुत सारे फंक्शन। फिर टाइप कन्वर्जन के, जो मैंने बताया CDBL, वैल्यू टू डबल करता है, ये बुलीन में करता है, ये बाइट में करता है, सी करेंसी में करता है, सी डेट में करता है, सी डेसिमल में करता है, इंटीजर में, सी लॉन्ग में, सिंगल में, स्ट्रिंग में, वेरिएंट पे, ठीक है। बाकी ये फाइनेंशियल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है वही फंक्शन। डायरेक्टरी फंक्शन यूज टू चेंज द करंट डायरेक्टरी और फोल्डर, CHDIR, CH drive, इसका यूजेज आप इसी में से देख लेना। ये इसके मैं ना आगे दिखाऊंगा आपको कि ये फोल्डर कैसे लेते हैं, फाइल कैसे लेते हैं, वो सब है। जैसे पहले CHDIR देखें क्या कह रहा है। ये जो आपका सिस्टम का नहीं होता, सिस्टम में जो आपका फोल्डर होता है, डिफॉल्ट फोल्डर, उसको सेट करने के लिए यूज़ होता है करंट डायरेक्टरी टू उसको, पर हाँ इसका खास यूज़ नहीं। CH drive, करंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी, डायरेक्टरी फंक्शन में ये हमारे बहुत काम का फंक्शन है। कोई आप इसको पाथ दोगे तो फाइल देगा, जैसे इसमें सर्चिंग के भी ऑप्शन लगा सकते हैं कि सी के साथ IN से हो रहा है, स्टार का मतलब होता है बीच में कुछ हो, तो इस नाम के जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे, मतलब वर्ड फाइल होंगी, वो आपको रिटर्न करना शुरू कर देगा, ठीक है। कैसे रिटर्न करेगा, ये वाइल के फंक्शन के साथ यूज होता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे एक करेक्टर आ भी सकता है, नहीं भी सकता है। अगर आपको उसके अंदर के सारे सी के अंदर के सब कुछ चाहिए, तो ये इन हटा के स्टार डॉट XLS कर दिया, उतनी फाइल रिटर्न कर देगा एक्सेल की। XLSM है, XLA है, तो एक्सेल के बाद स्टार और लगा देना, ठीक है। तो एक्सेल के सारे फॉर्मेट ले लेगा ये होता है आपका, कि अगर जीरो है देन मैसेज वर्ड फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, चेक करानी है कोई फाइल है कि नहीं, तो इस तरीके से होगा। डायरेक्टरी चेक करानी है कि इस नाम की कोई डायरेक्टरी है कि नहीं, तो यहाँ पे आगे VB डायरेक्टरी पड़ जाता है, ठीक है। अब ये देखो कि किसी एक फाइल के नाम लिस्ट कराने हैं, ये वाला एक एग्जांपल मैं दिखाई देता हूँ। सब ABC1, अब लिस्ट करानी है डायरेक्टरी कि हमें कि एक फोल्डर में कितनी फाइल है। अब जैसे मैं कोई फोल्डर ले लेता हूँ, कौन सा, यहाँ पे यही ले लेता हूँ, डेस्कटॉप का पाथ यहाँ से नहीं जाएगा, पाथ जाएगा सी के अंदर से, यूजर्स में, IPT फरीदाबाद, डेस्कटॉप, तो ये पाथ जाएगा, ठीक है। अब ये पाथ चला गया डायरेक्टरी के अंदर, वाइल ये मैंने डायरेक्टरी में एक बार इसको सेट कर दिया, पाथ सेट कर दिया, अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो मैं करूँगा वाइल DIR,
ये सी एच डी आई आर इसी डायरेक्टरी का पाथ सेट करने के लिए है, ठीक है। तो इसमें मैं इसको ऐसे ही डाल देता हूँ, और लेन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन वाइल, अच्छा डू वाइल लगता है ना, डू लूप, ठीक है। अब इसके बाद कर देते हैं रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट एक नीचे और ज़ीरो डॉट वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू डी आई आर। तो डी आई आर में जब तक वैल्यू है ये यहाँ पे लिस्ट कराता चला जाएगा। इसको एक बार करके देखते हैं, इनवैलिड प्रोसीजर कॉल्ड कॉल्ड, मेरे ख्याल से इसके अंदर यही आ जाए। यहाँ सेट करके देख लेते हैं, ठीक है। अरे नहीं, इक्वल टू डी आई आर का एक तो एग्जांपल डी आई आर 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 एल रिजल्ट डी आई आर डॉक, अलाउज यू टू मैच एनी स्ट्रिंग, ये तो हमें मालूम है। वी बी नॉर्मल सिस्टम वॉल्यूम डायरेक्टरी 16, फाइल नेम इज एन एलियास 16, वी बी डायरेक्टरी देखते हैं। आप देता है रुक नहीं रहा, क्या चक्कर है, कुछ ज़्यादा ही हो गया क्या। हो वाइल अनटिल, ओए होए होए, मैंने क्या किया, उल्टी कंडीशन लगा दी। हाँ, या तो अनटिल लगाना था, कंट्रोल ब्रेक होता है, कंट्रोल ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आ जा, नहीं मानेगा ये। सबसे बेस्ट रहता है ना इस लेवल पे, नेट से ही उठा लो एग्जांपल तो बढ़िया रहता है। इन सब में ना ज़्यादा रिसर्च करो तो आपका वो हो जाएगा, बस ये पता होना चाहिए होता किस लिए। डी आई आर फंक्शन टू गेट फोल्डर, फोल्डर और फाइल्स, फाइल्स आपको ये आ जा पीछे, लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स ने भी बी डी आई आर, नेट क्यों स्लो चल रहा है ये नहीं समझ आ रहा मुझे। हाँ अच्छा, फाइल, ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया। फाइल इक्वल टू डायरेक्टरी,
होना तो चाहिए ऐसे ही। स्टार डॉट ई एक्स ई लेन फाइल के साथ लगाया, कहाँ लगा, माय फाइल डू अंटिल, ये है, ये पूरा फंक्शन है। अब वो फाइल चली गई होगी उसके साथ ही, कोई बात नहीं। ये रहा, आ गई। ये सी विंडोज डेस्कटॉप वाला कर रहे थे ना, कंट्रोल जेड सी। ये पाथ दे दिया, ठीक है। अब डायरेक्टरी चूज़ करनी है, पाथ आ गया, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे इसके, अच्छा ये जो है ना हमेशा क्लोज़ होना चाहिए, तो इसके बाद का चीज़ें, ठीक है। अब वो डेस्कटॉप पे ही सर्च करने लगा था आईपीटी फरीदाबाद में। अब अगर फर्स्ट डायरेक्टरी, ये जो फोल्डर है, अगर नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल टू ये है, अनटिल इक्वल टू वो नहीं हो जाता, तो गेट एट्रीब्यूट एंड वी बी ए डायरेक्टरी पाथ्स एंड डायरेक्टरी वी बी डायरेक्टरी, अगर वो डायरेक्टरी नहीं है देन एक्टिव शीट कंट्रोल, ये तो एक्टिव शीट, ये गेटिंग द नेक्स्ट एंट्री, देखते हैं इसको रन करके। ये आ गया, ठीक है। इस तरह से लिस्ट करता है जो उसमें फोल्डर है। हाँ, ये फर्स्ट डायरेक्टरी मैं हटा देता हूँ, पाथ नहीं चाहिए मुझे, तो खाली, हाँ जो आप पाथ दोगे ना उसके अंदर जितने फोल्डर होंगे ना उसको उठा लाएगा, जैसे ये रहा, ठीक है। वीबी डायरेक्टरी, और ये भी ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब इन्होंने फालतू लगा रखा है, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। एक्टिव शीट, ये तो इन्होंने रेंज का हम फॉर्मूला लगा के यही काम कर सकते हैं जो इन्होंने इसके ज़रिए किया है, पर पहले ये टेस्ट कर लें चल भी रहा है कि नहीं, कई बार गड़बड़ हो जाती है ना, वैसे चलेगा जहाँ तक है ये। अच्छा ये उसमें सब कुछ उठा लाया, पर यहाँ ऊपर तो वीबी डायरेक्टरी दे रखा है, डायरेक्टर पाथ वीबी ए डायरेक्टरी, फाइल में तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसको मारो गोली, पाथ में ही चल जाएगा ये काम, तो ये पाथ में भी कर रहा है। ये काम तो ये पाथ में भी कर रहा है, ये वैसे ही कर दे रहा है। और जैसे अगर मुझे चाहिए स्टार डॉट एक्सेल, आगे स्टार कोई भी फॉर्मेट हो, तो अब ये एक्सेल की फाइल लिस्ट करेगा खाली, ये एक्सेल की सारी फाइलें आ गई, कोई भी, बस उसके एक्सटेंशन से।
ठीक है। और ये जो हमने बनाया था एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट को देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको भी देख ही लेते हैं। गेट एट्रीब्यूट पाथ एंड फर्स्ट डायरेक्टरी इसने दे दिया जो भी उसे मिली, एंड वीबी डायरेक्टरी। अगर एट्रीब्यूट लिया इसने एंड वीबी डायरेक्टरी, एंड 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 गेट एट्रीब्यूट, एंड एंड क्यों आया इसमें, एंड नहीं आना है। गेट एट्रीब्यूट वी बी डायरेक्टरी इक्वल टू वी बी डायरेक्टरी देन एक्टिव शीट डॉट ए फर्स्ट डायरेक्टरी में जो वैल्यू है वो लेगा। यहाँ पे चेक करवाया, एंड का यूज़ नहीं समझ आया मुझे। वी बी डायरेक्टरी टू ट्रू होता है। कोड नहीं समझ आया मुझे खुद भी। डू अंटिल लूप रेंज ये दिया है ट्वाइस क्रिएट, क्योंकि एंड का फंक्शन का यूज़ तो होना ही नहीं चाहिए। एंड का फंक्शन बीबी डायरेक्टरी ट्रू से क्या मतलब है। गेट एट्रीब्यूट, अच्छा ओहो, ये ट्रू ये ट्रू। फोल्डर के अंदर के सारे चीज दे रहे हैं ना, नहीं, मतलब जो वो तो फोल्डर में पाथ पाथ। पाथ और डायरेक्टरी ले ली इसने, पता है पाथ और डायरेक्टरी मतलब वो डायरेक्टरी का नाम ले लिया यहाँ से, ठीक है। एंड वी बी डायरेक्टरी ये क्यों है, ये क्या चीज़ है, ये नहीं समझ आ। वी बी डायरेक्टरी तो ये समझ आ रहा है कि ये वी बी डायरेक्टरी ही देगा, नहीं एंड का तो फॉर्मूला क्या करता है ना, जब दोनों में ट्रू हो तो ट्रू देता है। अब वी बी डायरेक्टरी तो ट्रू है और ये गेट एट्रीब्यूट वी बी डायरेक्टरी अकेला कैसे ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू हो तो वी बी डायरेक्टरी इक्वल टू ट्रू कैसे, यहाँ कन्फ्यूजन है। यानी कि ये एंड वी बी डायरेक्टरी, अगर वी बी डायरेक्टरी है तो दोनों को चेक करके वी बी डायरेक्टरी देगा इधर। चलो कोई बात नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि कई जगह पे आपको पीस ऑफ कोड लेने पड़ेंगे जो यहाँ पे हैं। वी बी डायरेक्टरी एट्रीब्यूट को एक बार पढ़ना पड़ेगा कि गेट एट्रीब्यूट यहाँ पे कर क्या रहा है, तब समझ आएगा कि इसका यूजेज क्या है। और चलते हैं, तो ये बेसिकली आपके फंक्शंस हैं जिसको आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के हैं, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, कौन सा फंक्शन है ये, गेट ए टी टी आर, गेट ए टी टी आर वी बी ए। अब इसमें पाथ डालेंगे, गेट एट्रीब्यूट ये डॉक 0 एक्सेल 1। अच्छा वी नॉर्मल रीड ओनली हिडन 0 गेट एट्रीब्यूट, इसमें इन्होंने क्या दिया, गेट एट्रीब्यूट के साथ पाथ दे दिया और पाथ में कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज, गेट एट्रीब्यूट रिटर्न 1 और अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग वैल्यूज।
तो ये आपको कॉन्सोनेंट में ये देता है, एंड 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 वीबी डायरेक्टरी के लिए 16 देगा, डायरेक्टरी और फोल्डर के लिए 16 देगा, तो एंड का फंक्शन उन दोनों को ट्रू करेगा क्या? ये नहीं समझ आया यार, एंड का यूज इसने बड़ा उल्टा कर रखा है। ये तो चलो मुझे दे देगा 16 दे देगा। हो 16 एंड वीबी डायरेक्टरीज, 16 एंड वीबी डायरेक्टरीज, पता नहीं यार, देखना पड़ेगा, इस पे थोड़ा रिसर्च मारना, ठीक है, बाकी यहीं तक है।